अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस कमिश्नर ललित मोहन नेगी की हत्या का इरादा रखने वाले दिल्ली के 2 लाख के इनामी कुख्यात शक्ति नायडू को आज हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। शूटरों के गैंग को चलाने वाले शक्ति नायडू ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंद्रा से करीब 8 करोड़ रुपए दिल्ली लाजपत नगर में लूटे थे। मकोका लगाने से खफा शक्ति ACP की हत्या करने की मंशा रखता था और इसके लिए ही वह मेरठ आया भी था। दरअसल ACP एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए मेरठ आने वाले थे। इस दौरान ही उनकी हत्या की योजना बनाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर साथियों में ही मतभेद होने पर बदमाशों के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें कुख्यात शूटर हनी की मौत हो गई थी, जबकि उसका चाचा तिलक राज गंभीर रूप से गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस उसे हिरासत में लेकर एक अन्य ऋतु राज को भी पकड़कर लगातार पूछताछ कर रही थी, जिसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्द ही शक्ति का भी खेल खत्म हो जाएगा, और हो भी गया। यह भी बताया जा रहा है कि रवि उर्फ भूरा भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आइए पहले देखते हैं एक महापौर क्या बता रहा है घायल तिलक राज। शक्ति नायडू 2-3 मर्डर करवाना चाहता जी। शक्ति नायडू मर्डर करवाना चाहता हूँ उसे। अच्छा, उसके साथ मिलकर ऋतुराज और अमित रवि भूरा, तो हमने मना कर दिया। उस चीज़ में बहस हो गई, हम वापस जाने लगे तो हमें लगा कि हम पुलिस को बता देंगे, तो इस चक्कर में इसमें राहुल भी दिल्ली का पुलिस वाला उसी हथियार हथियार दे रखते हैं। एक प्लॉट का और मैं कुछ बता रहा, संजू के नाम का एक प्लॉट दिल्ली में, वो दिल्ली में 2 आदमियों को और मरवाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अलग 2 लाख के इनामी शक्ति नायडू का आतंक दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में कायम था। हाल ही में वह उस वक्त चर्चा में आया जब उसने कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में अपने ही साथी हनु सिंह को गोली से भून दिया, जबकि हनी का चाचा तिलक राज 3 गोलियां खाने के बाद भी अस्पताल पहुंच गया, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। तिलक राज ने ही पुलिस को बताया कि शक्ति नायडू दिल्ली के ACP ललित मोहन नेगी की उनके साथ मिलकर हत्या करना चाहता था, उन्होंने इससे इनकार किया तो शक्ति ने चाचा भतीजे को गोली मार दी। हालांकि जांच में यह संभावना भी सामने आई है कि हनी व तिलक राज में आपस में ही एक फायरिंग हुई और उन्होंने एक दूसरे को गोली मारी। उस वक्त कुख्यात रवि भूरा भी साथ था। ACP को एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए मेरठ आना था। यह सारी प्लानिंग ऋतुराज सिंह के घर पर बैठकर बनाई गई थी। जो मुठभेड़ हुई है, क्या बिस्तर जानकारी है? मुठभेड़ में जैसा कि पूरा घटनाक्रम आप लोग को पता है, तो अपराधी था, उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल में लाया गया था और उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उसको बचाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अब ये सूचना है कि जो सुशक्ति नायडू क्रिमिनल है उसकी मृत्यु हो गई है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित है। सर, ये जो शक्ति नायडू था कितने रुपये का इनाम था? 1 लाख रुपये का इनाम इस पर उत्तर प्रदेश से था, बाकी कई राज्यों में इस पर मुकदमे हैं, वहाँ भी हम लोग पता कर रहे हैं कि बाकी कहाँ से इस पर इनाम था, अगर था तो कितने का। CEO साहब की क्या स्थिति? CEO साहब का भी उपचार चल रहा है।